गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आप बच्चों के लिए गेस क्वेश्चन लेकर आई हूं। अब आखिरी दो दिनों में आप बच्चों को रिवीजन कहां से करना है, तैयारी कहां से करनी है कि अपना पिछले दो साल का मेहनत रंग लाए और हमारे दिन में देखे हुए सपने इस 12th मैथ्स में 100 out of 100 पूरा हो जाए। 12th मैथ्स आपका और हमारा दोनों का एक ही सपना था, 100 out of 100, और आपने बहुत मेहनत भी किया है। हमारे साथ साथ आप बच्चे भी बहुत मेहनत किए हैं, ये रिजल्ट हम लोग ला कर रहेंगे। आप बच्चों के मन में क्वेरी थी कि मैम अंतिम दो दिन को कैसे यूज करूं कि पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए और सारा का सारा एकदम कॉन्सेप्ट एक बार घूम जाए ताकि मैं बोर्ड में फुल टू परफॉर्मेंस दे सकूं। तो आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया गया है गेस क्वेश्चन का बुकलेट। 3 लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों के लिए मैंने गेस क्वेश्चन तैयार किया है, इस बात की पूरी गारंटी के साथ कि बोर्ड परीक्षा में इस बुकलेट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सेक्शन ए की बात कर लूं, अगर मैं सेक्शन 1 की बात कर लूं तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे 100, लेकिन उस 100 में 50 ऑब्जेक्टिव हमारे इस 400 ऑब्जेक्टिव के सीरीज से आने वाला है। यानी मैं 400 ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन दे रही हूं। इस 400 ऑब्जेक्टिव को शांत दिमाग से एक बार बना लेना है और इसी में से 50 क्वेश्चन बिहार बोर्ड 1 फरवरी जो 2 दिन बाद लेने जा रही है पक्का इसी से आएगा। अब बच्चे कह रहे मैम ऑब्जेक्टिव का तो आपने कर दिया, लॉन्ग का भी बता दो, शॉर्ट आंसर का भी बता दो। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं सेक्शन 2 की बात कर लूं जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए 15 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। बोर्ड परीक्षा में 30 क्वेश्चन आएंगे, उस 30 क्वेश्चन के लिए मैंने 150 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की है। 150 क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के नहीं है, 100 क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, 50 यूनिक कॉन्सेप्ट के हैं। इस बात की श्योरिटी देती हूं मैं कि 15 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट लेने हैं बोर्ड परीक्षा में वो इसी 150 क्वेश्चन से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स। अगर मैं 5 मार्क्स की बात कर लूं, 4 क्वेश्चन बनाने हैं, आप बच्चों को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, मैं इसके लिए दे रही हूं 50 क्वेश्चन जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने 12 क्वेश्चन दिए हैं, इस 50 में से 12 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आप आएंगे। 3D ज्योमेट्री से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने 11 क्वेश्चन लॉन्ग के गेस क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से दिए हैं। यानी सब मिला के मैं आपको 600 क्वेश्चन दे रही हूं। 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 200 प्लस 400 क्वेश्चन। 1 फरवरी बिहार बोर्ड के एग्जाम के बाद 1:30 बजे एग्जाम खत्म होगा, 2 बजे मैं आपके सामने लाइव आऊंगी यह बताते हुए कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इसी गेस क्वेश्चन से आए हैं। अब बारी है बच्चों की कि मैम गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो आपने आंसर की दिया, मैं कर लूंगा, यह शॉर्ट आंसर के 150 क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर के ये 50 क्वेश्चन मैं कहां से कर पाऊं, अब तो 2 ही दिन बचे हैं। तो प्यारे बच्चे आप जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि मैं YouTube पर लाइव डिस्कशन आज संडे और कल मंडे, इन 2 दिन में लाइव डिस्कशन आपको किसका चाहिए,
लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत करूं या शॉर्ट क्वेश्चन से शुरुआत करूं, टू मार्क्स या ऑब्जेक्टिव से। तीन सवालों के जवाब आपको कमेंट में लिखने हैं। जैसे मैम आज संडे को लॉन्ग क्वेश्चन 50 में कम से कम 20 करवा दो, बाकी 30 मैं कर लूंगा। दूसरा, मैम आप स्टार्ट करो शॉर्ट आंसर से, यानी 150 क्वेश्चन जो आपने गेस किए हैं, जिसकी आप गारंटी ले रहे हो कि इसी में से 15 आएंगे, तो आप 150 में 50 क्वेश्चन करवा दो। मैंने जो गेस क्वेश्चन बनाए हैं वो चैप्टर वाइज बनाए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो आपको बताना है कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन आप 3D से करवा दो, या लॉन्ग क्वेश्चन आप लीनियर प्रोग्रामिंग के करवा दो, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आप चाहो तो डेफिनेट इंटीग्रल के करवा दो। यूट्यूब पर आप किसका डिस्कशन चाहते हो? एंड द लास्ट, क्या आप ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन चाहते हैं? मैं 2 दिन में ऑल 400 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर सकती हूं। 12 घंटे की सीरीज होगी, 400 क्वेश्चन हम लोग चाहें तो लाइव डिस्कस कर सकती हूं मैं यूट्यूब पर। बस आप बच्चों की डिमांड क्या है वो कमेंट करिएगा। ये गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा कहां? हमारा शेपिंग फ्यूचर ऐप है आपके गूगल प्ले स्टोर पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप से ये गेस क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8434146666। इस नंबर पर कॉल पिक नहीं होगा क्योंकि अभी कोविड टाइम चल रहा है, सारे स्टाफ छुट्टी पर हैं, व्हाट्सएप का रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर आप इसका PDF मंगा सकते हैं। रिक्वेस्ट करना होगा, गुड मॉर्निंग मैम लिखकर मांगना होगा, ताकि हमारी काउंसलर आपको रिस्पॉन्ड कर सके। और अगर आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप के प्ले स्टोर से कोर्स को परचेज करना होगा 101 रुपीज देकर, जिसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि अब टाइम कम है। कुछ बच्चे इसे पिछले 1 वीक से खरीदते आ रहे थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि मैं YouTube पर वीडियो बनाकर डाल सकती थी, पढ़ाने में और आपके इस क्वेश्चन को बनाने में व्यस्त थी। फिर भी अगर कोई बच्चा चाहता है हर क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो ही और शी कैन परचेज द PDF एट ओनली ₹101। एंड द लास्ट, हमारे पास पूरे फुल कोर्स के लिए माइक्रो थ्योरी बुकलेट अवेलेबल है, जो मैंने उन्हीं बच्चों को दिया था जो हमारे यहां टेस्ट सीरीज अटेंड किए थे। अभी भी हमारे पास 3 बुकलेट बचा हुआ है। अगर कोई बच्चा पटना में है, वो कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस नंबर पर हमारे पटना के कंकड़बाग ब्रांच से कलेक्ट कर सकता है। तो आपके कमेंट के अनुसार मैं हाजिर होऊंगी लाइव डिस्कशन इस गेस क्वेश्चन से। एक ही उम्मीद है, एक ही जुनून कर लेना है, इस 2 दिन को यादगार बना देना है, मैथ्स के लिए 2 दिन पूरा डेवोट कर देना है, और ये गेस क्वेश्चन की सीरीज 600 क्वेश्चन को एक बार थ्रू आउट बना लेना है, ताकि इस रिजल्ट को अचीव कर सके। यस यू कैन डू इट, यू विल अचीव इट। मैथ्स में 100 out of 100 मैंने आपको तैयार किया। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, बच्चों को भी पता है कि वो ला सकते हैं, बस सिली मिस्टेक नहीं करना है और लास्ट मोमेंट पे घबराना नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो, घबराए, मैथ से डर लग रहा हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, मैं मिलती हूं आपकी डिमांड के अनुसार लाइव डिस्कशन इसके सोल्यूशन पे। और अगर आप लाइव डिस्कशन नहीं चाहेंगे तो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जैसे ही परीक्षा हो, PDF अपने सेट का भेजिएगा, आपके सेट का डिटेल्ड सॉल्यूशन करके मैं क्विक भेजूंगी, तुरंत एग्जाम खत्म होगा, मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में। थैंक यू।